हाय बच्चों, दिस इज योर केमिस्ट्री एजुकेटर मोनिका बेदी। बच्चों, सबको पता होगा कि जेईई मेंस का रिजल्ट आ गया है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर दिस न्यूज़ विद यू कि अनअकैडमी का रिजल्ट बहुत अच्छा गया। ठीक है, आज जब मैं सुबह उठी ना तो मेरा जो टेलीग्राम है वो मैसेजेस से फ्लडेड था। बहुत सारे टेलीग्राम मैसेजेस आए हुए थे कि मैम हमारा ये रैंक आया है, ये हमारी परसेंटाइल आई है, स्कोर कार्ड्स बच्चों ने शेयर किए हुए थे। बहुत अच्छा लगा देख करके। और सबसे अच्छा लगा कि अभी वैसे तो कंपाइलिंग चालू है बट सो फार हमारे जो टॉप 20 हैं उसमें 3 रैंक्स ऑलरेडी आ चुकी है, डबल डिजिट रैंक्स, रैंक 11, 12 एंड 13। तो मैं सबसे पहले उन बच्चों को कंग्रेचुलेट करूंगी जिनकी रैंक 11, 12, 13 जिन्होंने स्कोर की है। ठीक है, उसके बाद में ये बताऊंगी कि ये जिसमें जैसे रैंक 11 का बच्चा है, ये हमारे एसआरजी ग्रुप का बच्चा है ना। व्हाट इज दिस एसआरजी? एसआरजी होता है स्पेशल रैंकर्स ग्रुप। आपके लिए जानना जरूरी है कि यहां बच्चों की ट्रेनिंग किस तरीके से होती है कि डबल डिजिट रैंक बच्चे स्कोर कर रहे हैं। देखो, जो हमारे नॉर्मल प्लस के कोर्सेज होते हैं उन्हीं में टेस्ट कंडक्ट होते हैं। ठीक है, उसमें से फिर बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि बाकियों के मुकाबले में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये जो एसआरजी है ये बैच बन जाता है, ये ग्रुप बन जाता है। इसमें वेरियस टीचर्स इन बच्चों को नॉर्मल तरीके से पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद में इनकी किस तरीके से हम कहेंगे डेवलपमेंट होता है, वो इस तरीके से होता है कि इनको कुछ टाइम बाउंड चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। अब टाइम बाउंड चैलेंजिंग प्रॉब्लम से क्या फायदा है? खतरनाक तरीके की प्रॉब्लम्स जिनमें आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको आप दिमाग में बार बार लाएंगे और उनको अप्लाई करके कुछ नए फंडे से अपना जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, इवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व नहीं, गोल गोल नहीं घूमेंगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने सीखे हुए फंडों से नई चीजें डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये कैसा गेम है? ये प्रेशर विद नो प्रेशर है। मतलब ये इतने खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें अगर आपको 10 सवाल दिए जा रहे हैं तो 3-4 आपके सही जा रहे हैं तो यू विल बी यू नो वेरी वेरी हैप्पी कि यार बहुत मजे की बात हो गई है, तो कि हमारे 100 में से 40 नंबर आ गए, इसमें आपने खुश हो जाना है। सपोज नहीं आए तो प्रेशर नहीं, क्योंकि आपका नुकसान नहीं है। इन एनी केस आप डेवलप कर रहे हो खुद को। सो आई एम सेइंग कि प्रेशर विद नो प्रेशर। प्रेशर इस बात का है कि यार ये कैसा सवाल है, ये कैसे होगा। एक्सपोजर मिल रहा है ना आपको, तभी तो आप इवॉल्व करोगे। विद नो प्रेशर कि अगर आपका यहां बिगड़ता है ना मसला तो भी आप कुछ सीख के जाओगे, हार के नहीं जाओगे, या तो जीत रहे हो या सीख रहे हो। तो ये होता है हमारा स्पेशल रैंकर्स ग्रुप, जिसमें कोई बहुत ही पर्टिकुलर सेट ऑफ फैकल्टी, खूब सारे टीचर्स जो है वो बच्चों को डेवलप करने में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब सपोज आप इस बैच में हैं एंड आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें जेईई में। जैसा कि आपने देखा अभी जेईई मेंस में एसआरजी ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं, रिजल्ट्स ला रहे हैं। ठीक है, अब मसला यह है कि ये जो हम आईआईटी जेईई की ट्रेनिंग करते हैं, एग्जाम के लिए आपको पढ़ाते हैं, मेन्स के लिए और एडवांस के लिए तैयार करते हैं, तो बेसिकली बहुत सारे फंडामेंटल्स आपको इन बैचेस में, इन ग्रुप्स में सिखाए जाते हैं। अब मसला ये है कि वाई आईआईटी और एनआईटी? बेटा आईआईटी हमारे करियर का, हमारी पर्सनालिटी का वो गहना साबित होगा, वो ज्वेलरी साबित होगी जो कि हमारी पर्सनालिटी से कोई छीन नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में ना कभी तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। अगर आपको अपने करियर में ऊंचाइयां छूनी है ना तो लाइफ के किसी ना किसी मोमेंट पे आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अब नहीं तो तब, अभी नहीं करोगे तो बाद में करोगे। तो फिर क्यों नहीं हम इसी स्ट्रगल को अभी कर लें, हम 11, 12 में ही पूरा जोर लगा दें। क्या पता हम कैपेबल हो, हमें नहीं पता हो कि हम कैपेबल हैं। कई बार बहुत हीरे जैसे बच्चे होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको प्रॉपरली अपने आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज के आगे ओपन करना पड़ेगा, अपनी माइंड को, सोच को खोलना पड़ेगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आईआईटी या एनआईटी से आपको आगे जाके क्या बेनिफिट होगा? आपको जॉब में प्रायोरिटी मिल सकती है, आपको लेस स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपके रिलेटिव्स के आगे आपकी एक अलग ही टाइप की इमेज बनेगी। जब कोई बंदा होता है वो जब ये बोलता है ना मैं आईआईटी हूँ या मैं एनआईटी से ग्रेजुएट हूँ बीटेक, तो उसकी विश्वास मानो उसकी इमेज ही अलग पड़ती है, उसका टशन ही अलग पड़ता है। तो ये एक गहना ऐड हो जाएगा आपके करियर में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ में, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो यार जब ये चीज इतनी वैल्यूएबल है तो यार इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा। अगर इजी होती तो वैल्यूएबल नहीं होती, और वैल्यूएबल है तो इजी नहीं है, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इन चीजों के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि कोर्स लिमिटेड होता है। मतलब जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स का कोर्स फॉर जेई एग्जामिनेशंस कंसाइज होता है, ऐसा नहीं होता कि अंटस अंटस समंदर है, ऐसा नहीं है। आपको आपका सिलेबस बता दिया जाता है, आपको उसी सिलेबस में से तैयारी करनी होती है। अनलाइक सिविल सर्विसेज की जब तैयारी करते हो तो समंदर की तरह कोर्स होता है, पता नहीं कहां से क्या आ जाए। बट यहां पे ये रहता है कि कोर्स लिमिटेड होता है, आपको सिलेबस पता होता है, उसमें से ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको बेसिकली पता क्या चाहिए होता है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी चाहिए होती है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स पे मास्टर करना होता है, और उसके अलावा आपको प्रैक्टिस दबा के लगानी होती है बहुत ज्यादा। मतलब इतना एक्सपोजर कि ऐसा कोई सवाल नहीं रहे, ऐसा कोई एंगल नहीं बचे जो आपको ना पता हो कि यार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी में जो आपकी मदद करेंगे वो कौन करेंगे? हमारे यहाँ के मेंटर्स।
आपको प्रॉपरली पूरा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एक्सरसाइजेस, डीपीपीज, ये सब देंगे ताकि आप आगे कुछ अचीव कर सके, ठीक है। लेकिन अब बात आती है, सपोज अपन ने बहुत एफर्ट लगाया, ठीक बात है, लेकिन फिर भी हम जेई मेन्स के एडवांस में वो रैंक हासिल ना कर पाए जो कि शायद हमें लगता था हम कर जाएंगे, तो मुझे लगता है प्लान भी आपको फिर रेडी रखना चाहिए। वहां पे आपको अपने मल्टीपल वेन्यूज ओपन रखने चाहिए। जब भी कोई बच्चा जेई की प्रिपरेशन करता है ना, तो मैं उसको हमेशा सलाह देती हूँ कि यार जेई की प्रिपरेशन भी तो कर रहा है ना, तो बोर्ड्स को नजरअंदाज मत कर। कल को छोटी मोटी बातों में मत फंस जाना कि मेरा जेई बहुत अच्छा है, मैं 75% क्राइटेरिया में फंस रहा हूँ, या फिर आप बेसिकली अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि जेई के लिए हम तैयारी कर रहे हैं बट हमारा प्लान बी भी रेडी है। हमारा जेई नहीं हुआ तो बोर्ड्स में हमारी बहुत अच्छी परसेंटेज, या फिर हमारे कम से कम कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज हम जो है कैप्चर कर पाए, हम वहां से पढ़ पाए, तो उसके लिए आपको कॉम्बो कोर्सेज सेलेक्ट करने चाहिए जहां पे घर बैठे आपकी ना केवल जेई की तैयारी हो, आपके साथ साथ बोर्ड्स की भी बहुत अच्छी तैयारी हो। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने भले ही उसकी शायद जेई में उसने 19-20 किया होगा, लेकिन उसने अच्छा जर्मनी से उसने ग्रेजुएशन की। अभी उसने मुझसे रिसेंटली फोटोग्राफ शेयर की कि मैम मेरी इंटर्नशिप जो है वो मर्सिडीज से हो रही है। मुझे प्राउड होता है उन बच्चों पे जो अगर कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हुए लेकिन आगे जाके उन्होंने कितना बढ़िया अपना करियर को शेप दिया है। तो बेटा ये चीज भी ओपन रखनी चाहिए, एवेन्यूज कोई क्लोज नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए मैं कहूंगी कि आप ऐसा कोई कोर्स लें, ऐसा कोई कोर्स ऑप्ट करें जो कि आपको मल्टीपली सब तरफ आपके डायमेंशन ओपन हो कि यार जेई नहीं हुआ तो चलो हमारा बोर्ड्स में बहुत अच्छी परसेंटेज है, या कोई बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज हमें मिल सकता है जहां अच्छे प्लेसमेंट्स होते हो। तो यहां मैं आपको बोलूंगी कि यार अभी फिलहाल 2 दिन बचे हैं, एक आज का और एक कल का, मतलब 29th and 30th April, यहां एक फ्लैट 25% ऑफ करके जो है वो फी वेवर चल रहा है ऑन यूजिंग कोड MBLIFE, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको अभी इफेक्टिवली 33% ऑफ मिल रहा है क्योंकि 1st of May से 10% प्राइस हाइक होने वाली प्लस के सब्सक्रिप्शंस में, और उसमें फिर आपको जैसे MBLIFE आप कोड लगाओगे तो आपको 5% ऑफ मिलेगा 1 मई से, लेकिन अभी आपको 25% ऑफ मिल रहा है। तो इफेक्टिवली अभी से लेकर मई में हम डिफरेंस देखें तो 33% ऑफ का डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगी बोर्ड द बस ऑन द राइट टाइम, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि आप अभी अगर 11वीं में आए हैं लेटर से तो आप सही समय पर शुरुआत आपको डेफिनेटली बहुत दूर लेके जाएगी, बहुत आगे लेके जाएगी। कहते हैं ना अर्ली स्टार्ट, जितना जल्दी आप कदम रखेंगे उस चीज का बेनिफिट आपको आपके करियर में होगा ही होगा। और घर बैठे अगर आपको एक बहुत अच्छी सेट ऑफ फैकल्टी घर बैठे ट्रेन कर रही है, आपका कहीं ट्रैवल टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, ये जो मैक्सिमम फी वेवर चल रहा है ऑन यूजिंग कोड MBLIFE, इसका आप फायदा उठाओ, आज या कल में अपना सब्सक्रिप्शन बुक करो और अपनी पढ़ाई चालू करो। बोर्ड द बस, जल्दी जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतनी ही बाकियों से इस रेस में ऑटोमेटिकली आगे हो जाओगे, है ना। इसी के साथ मैं बोलूंगी कि छोटे छोटे ऐसे भी हमारे बैचेस होते हैं, जैसे हमारे योद्धा, यलगार एंड उड़ान ड्रॉपर्स चल रहा है, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बैचेस होते हैं। इसमें 7-8,000 rupees में आपके पूरे साल एक सेट ऑफ फैकल्टी, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फैकल्टी आपको पूरे साल ट्रेन करेगी। लेटर से हमारी एक टीम है उड़ान टीम, तो पूरी उड़ान टीम से अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप ये छोटे वाले बैचेस ले सकते हो जिसमें आपको उड़ान टीम पूरे साल आपको मेंटर करेगी। अगर आपको लगता है नहीं मुझे मल्टीपल मेंटर से पढ़ना है, मतलब मुझे यहाँ पे ये सर अच्छे लगते हैं लेकिन कहीं और वो वाली मैम अच्छी लगती है, ऐसा भी होता है ना कि उनसे पढ़ना मुझे समझ में आता है, ये चैप्टर मैं इनसे पढ़ूंगा, वो चैप्टर मैं उनसे पढ़ूंगा, तो उस केस में आप हमारे ओवरऑल प्लस सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि अभी आज और कल डिस्काउंट 25% ऑफ है, तो यार इसका फायदा जरूर लेना और जागो और आगे बढ़ो, शुरुआत करो, अपने आप को पहचानो, अपनी कैपेबिलिटीज को जानो, अपने कैलिबर को जानो कि आप क्या कर सकते हो, और बेटा बढ़ जाओ आगे, ठीक है। इसी के साथ टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, अच्छे से मेहनत करो, तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा। वो फीलिंग अपने अंदर, वो कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिविटी लाओ, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।